सो आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन ASUS Zenfone Max Pro M2 का Redmi Note 7 Pro के साथ। सो गाइज, क्या है रीज़न यहाँ पे कंपैरिजन करने का, क्योंकि यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि इन दोनों में से कोई भी क्लियर विनर बनेगा, क्योंकि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको पता चल जाएगा कि कितनी टफ फाइट है इन दोनों फ़ोन्स के बीच में। ऑल दो Redmi Note 7 Pro रिसेंटली लॉन्च हुआ है और काफ़ी इंप्रूव्ड स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है, लेकिन ऐसा क्या है ASUS Zenfone Max Pro M2 में जो इसको इसका टफ कॉम्पिटिटर बनाता है। सो इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें और आप ऐसी वीडियोस देखते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहां पे स्टार्ट करेंगे डिजाइन के साथ, और डिज़ाइन में भी सबसे पहले हम रियर डिज़ाइन की बात करेंगे। अगर मैं रियर डिज़ाइन की बात करूं तो जो ASUS Zenfone Max Pro M2 है, इसमें आपको ग्लॉसी फिनिश मिलती है रियर साइड पे, डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर और ASUS की ब्रांडिंग। लेकिन जो ये ग्लॉसी फिनिश है, ये देखने में बहुत अच्छी लगती है, फील करने में भी अच्छी लगती है, लेकिन उस प्रीमियम लेवल की नहीं लगती। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक, ये पॉलीकार्बोनेट है, यहाँ पे ग्लास फिनिश आपको देखने को नहीं मिलती। सो ये रहा इसका ड्रॉबैक। लेकिन अगर मैं वहीं रेडमी Note 7 Pro के बैक पैनल की बात करूं तो ये ग्लासी फिनिश के साथ आता है और एक्चुअल गोरिल्ला ग्लास 5 का ग्लास यूज किया गया है। डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है, यहां पे फ्लैश और उसके नीचे लिखा गया है 48 मेगापिक्सल AI डुअल कैमरा विद फिंगरप्रिंट सेंसर एंड सबसे बॉटम में Redmi की ब्रांडिंग। और यहां पे सबसे जो Redmi Note 7 Pro में नुकसान की बात है, वो ये है कि जो कैमरा का बंप है वो आपको काफी ऊंचा देखने को मिल जाता है, जो कि ASUS Zenfone Max Pro में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे ऑब्वियसली अगर मैं डिजाइन की ओवरऑल बात करूं तो यहां पे विदाउट एनी डाउट Redmi Note 7 Pro आगे निकल जाता है, विदाउट एनी डाउट। वहीं अगर मैं फ्रंट डिजाइन की बात करूं तो आप यहां फ्रंट में देख सकते हो जो ASUS Zenfone Max Pro है, इसमें कितनी बड़ी नॉच देखने को मिलती है। इतनी बड़ी नहीं, बट एज कंपेयर टू Redmi Note 7 Pro यहां पे आपको ऑब्वियसली बड़ी ही नॉच देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे IPS डिस्प्ले मिलती है आपको Redmi Note 7 Pro में, और यहाँ पे ASUS Zenfone Max Pro M2 में आपको LTPS डिस्प्ले मिलती है। लेकिन डिस्प्ले की तरफ जब आप नज़र डालते हो तो उस केस में आपको किसी भी डिस्प्ले में ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं फुल ब्राइटनेस में बात करूं तो जो मुझे ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले है वो ऑब्वियसली Redmi Note 7 Pro की लगी। यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई क्लियर विनर तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्लाइटर साइज जो है वो Note 7 Pro के पास है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको IPS डिस्प्ले मिल जाती है और इसकी कलर रिप्रोडक्शन एंड सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। गाइज, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं इस वीडियो को बनाऊँ और इन दोनों फ़ोन्स का कंपैरिजन करूँ, वो है प्राइस। मैंने ये फ़ोन ख़रीदा था बिल्कुल पहली सेल जब ASUS Zenfone Max Pro M2 की हुई थी, और उस समय मैंने 15,000 का ख़रीदा था, और आज के टाइम पे ये फ़ोन आपको मिलता है परमानेंटली 12,000 रुपये का, 4/64 की बात कर रहा हूँ। 3GB वाला वेरिएंट 10,000 का मिलता है और 6GB वाला वेरिएंट आपका इसका मिलता है 14,000 का, जबकि Redmi Note 7 Pro का 4/64 वाला वेरिएंट जो है वो आपको मिलता है 14,000 रुपये का। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4+64GB वाले वेरिएंट में 2,000 रुपये का फ़र्क है। यही एक डिसाइडिंग फैक्टर है जो इन दोनों फोन्स का कंपैरिजन करने पे मुझे मजबूर किया। और स्पेसिफिकेशंस आप जितनी मर्जी अच्छी दे लो, लेकिन आ जाके इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है प्राइस की। अगर कम प्राइस में आपको स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिल जाती हैं तो उस केस में टफ कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली निकल कर सामने आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे फ्रंट डिस्प्ले की ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 6 मिलता है ASUS Zenfone Max Pro M2 में, और गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है आपको Redmi Note 7 Pro में। ऑब्वियसली गोरिल्ला ग्लास 6 जो है वो 3 गुना ज़्यादा बेहतर है अगर मैं उसको गोरिल्ला ग्लास 5 से कंपेयर करूँ। चलिए, ये तो रहा डिज़ाइन और डिस्प्ले की बात, अब यहाँ पे हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में विदाउट एनी डाउट कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जो Redmi Note 7 Pro है वो बहुत आगे है। Snapdragon 675 के साथ आता है और ये Snapdragon 660 के साथ आता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि Snapdragon 660 बहुत बेकार प्रोसेसर है, बहुत अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन 675 जो है वो उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको गेमिंग एक्सपीरियंस दोनों ही फ़ोन्स में अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा बेटर आपको एक्सपीरियंस जो है वो Redmi Note 7 Pro प्रोवाइड करवाएगा ASUS Zenfone Max Pro M2 के कंपैरेटिवली। लेकिन यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम है, जब मैंने PUBG रिव्यू किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो Redmi Note 7 Pro है, जब इसमें मैं
HD ग्राफिक्स में हाई फ्रेम रेट पे खेल रहा था, तो जो फ़ोन था वो ऑब्वियसली हीट अप हुआ था। इस एरिया पे मुझे हीट महसूस हुई थी, लेकिन इस फ़ोन में मुझे अभी तक जिस भी सेटिंग्स में मैं ऑलमोस्ट इसमें बैलेंस्ड में हाई फ्रेम रेट पे खेलता हूँ, लेकिन मुझे कभी भी हीट महसूस नहीं हुई। तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर आपके लिए बन सकता है कि ये फ़ोन हल्का सा हीट करता है। 40 प्लस टेम्परेचर गया था, 41.2 डिग्री सेल्सियस आई गेस, और मैंने ऑलमोस्ट 20 मिनट गेम खेली थी उसके बाद। चलिए, ये तो रही परफॉर्मेंस की बात, जिसमें ऑब्वियसली Redmi Note 7 Pro आगे निकल जाता है। बात करते हैं बैटरी की। 5000 mAh बैटरी M2 में, 4000 mAh बैटरी Note 7 Pro में। लेकिन Note 7 Pro जो है वो क्विक चार्ज 4.0 के सपोर्ट के साथ आता है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आपको दोनों में सेम ही चार्जर देखने को मिल जाते हैं, जो कि 10 वाट का नॉर्मल चार्जर हमें देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली ये आपने डिसाइड करना है कि आपको फास्ट चार्जिंग प्लस 4000 चलेगा या 5000 चाहिए। अगर मैं बैटरी बैकअप के ओवरऑल बैटरी बैकअप की बात करूँ, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 दिन दोनों ही नॉर्मल यूजेज में आपको दे देते हैं। ज़्यादा मेजर डिफरेंस आपको इन दोनों फोन्स की बैटरी लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। ये फोन मैं 2 महीने से ऑलमोस्ट यूज कर रहा हूँ, 3 महीने से, और ये फोन मैं ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से यूज कर रहा हूँ। सो उसके समय मैंने यही नोटिस किया है कि बैटरी बैकअप में दोनों के यहाँ पे ज्यादा बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन प्रेफर आपको ये करना चाहिए क्योंकि क्विक चार्ज 4.0 इसमें आ जाता है। वहीं अगर सेंसर की बात करूँ, तो दोनों ही फोन में आपको ऑलमोस्ट सारे सेंसर देखने को मिलते हैं, लेकिन रेडमी के फोन में हमेशा से एक स्लाइटर एज रहा है, क्योंकि रेडमी के फोन अपने हर फोन में IR ब्लास्टर जरूर देते हैं आपको। सो इसमें इंफ्रारेड सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, जो इसमें नहीं मिलता। एक और बड़ा डिफरेंस जिसके लिए Redmi Note 7 Pro प्रेफरेबल होगा और उससे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, वो है टाइप सी कनेक्टिविटी। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए, लेकिन यहाँ पे वही पुराना माइक्रो USB पोर्ट आपको देखने को मिलता है M2 में। सो Redmi Note 7 Pro ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है, Asus यहाँ पे मार खा जाता है। सॉफ्टवेयर की बात करूँ, तो गाइज इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड ओरियो मिलता है, इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड पाई मिलता है। Asus अपडेट्स में बहुत पीछे है एज कम्पेयर टू Xiaomi, क्योंकि Asus ने प्रॉमिस किया था कि वो जनवरी में या फरवरी में आपको अपडेट देंगे एंड्रॉइड पाई का, जो कि अभी तक नहीं आया। एंड्रॉइड ओरियो पे ही ये फोन चल रहा है। कहाँ है एंड्रॉइड पाई का अपडेट, आई डोंट नो, लेकिन इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड पाई ही मिल जाता है, जो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो एक स्लाइटर एज आपको देखने को मिलता है, वो है स्टॉक एंड्रॉइड। यहाँ पे आपको MIUI 10 मिलता है, जो फुल ऑफ एड्स हैं। आपको फाइल मैनेजर की बात कर लूँ या और भी सारी MI की जो इनबिल्ट एप्स है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एड्स देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ये स्टॉक एंड्रॉइड है, स्टॉक एक्सपीरियंस के साथ आता है, तो ऑब्वियसली स्मूथनेस ज़्यादा होगी। सो ये आपकी पर्सनल चॉइसिस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली MIUI 10 अच्छा लगता है आपको या आपको स्टॉक एंड्रॉइड अच्छा लगता है। तो गाइस, अब यहाँ बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यानी कैमरा की। Asus Zenfone Max Pro में आपको 12+5 megapixel का कैमरा कॉम्बिनेशन मिलता है रियर साइड पे, जो अपर्चर f1.8 और f2.4 के साथ आता है। वहीं अगर मैं Redmi Note 7 Pro की बात करूं, तो इसका कैमरा, जैसे कि आपको पता है, चर्चाओं में रहा गया कैमरा है, जो 48+5 megapixel कॉम्बिनेशन के साथ आता है, जिसमें 48 megapixel जो है अपर्चर f1.79 और दूसरा f2.4 के साथ आता है। फ्रंट में दोनों ही फोन्स में आपको 13 megapixel का कैमरा मिलता है, जो दोनों ही फोन्स में अपर्चर f2.0 के साथ आते हैं। लेकिन Asus Zenfone Max Pro में आपको फ्रंट फ्लैश मिल जाती है, जो कि Redmi Note 7 Pro में आपको नहीं देखने को मिलती है। ऑल्दो इतनी इम्पैक्टफुल फ्लैश नहीं है, बट स्टिल मैं ये कहूँगा इसके पास एक स्लाइटर सा एज है, क्योंकि इसके पास फ्लैश है। सो कैमरा के डिपार्टमेंट में रियर कैमराज की बात करूं, तो यहां पे Redmi Note 7 Pro आगे निकल जाता है। फ्रंट कैमरा की बात करूं, तो यहां पे दोनों ही फोन्स ऑलमोस्ट सेम हैं, लेकिन फ्रंट फ्लैश की वजह से आप कह सकते हो कि ये आगे है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज्यादा फर्क नहीं लाता यहां पे। सो गाइज, यहाँ पे ये तो रहा ओवरऑल कंपैरिजन। तो गाइज, अगर मैं ऑडियो क्वालिटी की बात करूँ, तो जो स्पीकर आउटपुट है वो Asus Zenfone Max Pro M2 का बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत लाउड है और बहुत ज़्यादा क्लियर है। Redmi Note 7 Pro का भी बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत अच्छा है, लेकिन उतना लाउड नहीं है जितना आपको Asus Zenfone Max Pro M2 में देखने को मिलता है। सो यहाँ पे अगर मैं एक स्पीकर्स की बात करूँ, स्पीकर आउटपुट की बात करूँ, तो उसमें मेरे हिसाब से Asus Zenfone Max Pro M2 आगे निकल जाता है। सो गाइस, अब फाइनल वर्ड्स की बात करते हैं। फाइनली आपकी क्या प्रेफरेंसेस लिस्ट है और आप किस फोन को चूज करना चाहते हो? अगर मेरे पास 14,000 रुपये हैं, उस केस में मैं Redmi Note 7 Pro ऑब्वियसली खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड के साथ मुझे एक अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है, वाटर ड्रॉपलेट नॉच मिल जाती है, स्क्रीन टू बॉडी रेशो ज़्यादा देखने को मिल जाती है, टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, और सबसे बड़ी बात, मुझे IPS डिस्प्ले मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 5 आगे और पीछे दोनों देखने को मिल जाता है। और लेकिन एक ऐसा फैक्टर जो मुझे कहता है कि ये फ़ोन नहीं लेना है, वो है, वो शायद आपके लिए हो, मेरे लिए वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहता, बट शायद आपके लिए हो, वो है कि इसमें आपको हाइब्रिड सिम कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है।
तो ये रहा Redmi Note 7 Pro की प्रेफरेंस लिस्ट। आपको Asus Zenfone Max Pro क्यों खरीदना है, क्योंकि इसमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, ग्लॉसी फिनिश पीछे देखने को मिल जाती है, ऑल्दो की पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है, और उसकी इसके अलावा बात करूँ तो फ्रंट में Gorilla Glass 6 आपको देखने को मिल जाता है। Gorilla Glass 6 की प्रोडक्शन जो है Gorilla Glass 5 से बहुत ज़्यादा बेटर है, ऑलमोस्ट सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन फास्ट चार्जिंग आपको देखने को नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट मिलता है, यानी दो सिम्स और एक मेमोरी कार्ड आप एक साथ यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको Redmi Note 7 Pro अलोन नहीं करता। सो यही हैं कुछ फैक्टर्स जो इन दोनों फ़ोन्स के बीच में आपको किसी एक फ़ोन चूज़ करने में हेल्प करेंगे। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे Redmi Note 7 Pro क्लियर विनर है, लेकिन Redmi Note 7 Pro विनर है, लेकिन बहुत 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 कम मार्जिन से Asus Zenfone Max Pro जो है प्राइस कट होने के बाद बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन दे देता है इस Redmi Note 7 Pro को। अब यहाँ पे अगर प्राइस कट नहीं होता तो उस केस में मैं बिल्कुल कह देता कि आपको यही फ़ोन लेना है, क्योंकि 15,000 में अगर ये बिक रहा होता तो उस केस में यही लेते, लेकिन 12,000 रुपये में है तो आपको एक थॉट ज़रूर देना चाहिए इन दोनों फ़ोन्स के बीच में। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।